नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कभी अपनी गेंदबाजी से दुनिया में तहलका मचाने वाले इमरान आज राजनीति की पिच पर रन आउट हो गए, मगर 22 गज की पिच से सियासत के पिच पर कमाल मचाने वाले इमरान यूं ही वजीर आलम इमरान खान नहीं बने। कौन है इमरान खान, क्या है इमरान का इतिहास, और अब पाकिस्तान की सियासी पिच पर आउट होने के बाद पवेलियन लौटते इमरान खान क्या करेंगे। लाहौर की पैदाइश, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, ये है पाकिस्तान की सियासत पर सबसे बड़े ओहदे पर काबिज रहे इमरान खान। 25 नवंबर 1952 का वो दिन था जब लाहौर के परिवार में जन्मा एक बालक, किसी ने सोचा भी ना होगा कि वो ना सिर्फ कभी पाकिस्तान के क्रिकेट का सबसे चमकता सितारा होगा, बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत भी संभालेगा। पश्तून परिवार में जन्मे इमरान की तालीम यूनाइटेड किंगडम के बड़े स्कूलों में हुई। परिवार में कई नामी क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिनमें दो बड़े चचेरे भाई जावेद बुरकी और माजिद खान पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम के कप्तान रह चुके थे। यही वजह थी कि बचपन से ही इमरान खान को क्रिकेट की ऐसी लत लगी कि दीवानगी जुनून में तब्दील हो गई, और देखते ही देखते इमरान सियासत के पिच के बादशाह बन बैठे। मगर रिवर्स स्विंग के महारथी इमरान ने पाकिस्तान के लिए 1982 में इतिहास रचा। अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया। क्रिकेट की पिच पर इमरान 88 टेस्ट मैचों में 37.69 की औसत, 3,807 रन बनाए, 6 शतक लगाए। 1992 में पहला विश्व कप खिताब जिताया। 1992 में ही संन्यास ले लिया, और फिर शुरुआत होती है क्रिकेट के पिच से राजनीति के पिच तक की। साल था 1996। वैसे तो क्रिकेट से राजनीति तक का सफर इमरान खान के लिए इतना आसान नहीं था। संन्यास की घोषणा के बाद उन्होंने पाकिस्तान की स्थापित राजनीतिक पार्टियों जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रभुत्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी। 1996 में तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी बनाई। 2002 में सांसद बनने में सफल रहे। 2013 में नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। उनकी पार्टी देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर चुनावों में धांधली का आरोप भी लगा। 2007 में इमरान खान को पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। 2014 में लाहौर से इस्लामाबाद तक एक रैली निकाली गई। आखिरकार जब आरोपों की जांच के लिए नवाज शरीफ ने एक न्यायिक आयोग की स्थापना की, इमरान पीछे हट गए। 2016 में PMLN के नेता हनीफ अब्बासी ने इमरान खान को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका भी दायर की थी। खान पर PTI के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, संपत्ति छिपाने और विदेशी स्रोतों से पैसे लेने तक के संगीन आरोप भी लगे हैं। 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दिसंबर 2017 में इमरान खान के पक्ष में फैसला सुना दिया। इमरान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 को आम चुनाव की घोषणा हुई। इमरान खान ने 5 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव भी लड़ा। पार्टी ने 116 सीटों के साथ चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी और जीती। 6 अगस्त को PTI ने खान को पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया। इमरान खान ने 18 अगस्त को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मगर इमरान खान सियासत के पिच पर 5 साल पूरे कर पाते, उससे पहले वो रन आउट हो गए, यानी कि सियासी बाउंसर के घायल इमरान अब अपनी पारी खत्म कर पवेलियन लौट चुके हैं।